चेहरे को गोरा, बेदाग और सुंदर बनाने का एक बहुत ही अच्छा हैक आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ, जो कि इंस्टेंटली आपकी स्किन पर ग्लो लाने में मदद करेगा, डार्क स्पॉट्स को फेड करेगा। यहाँ पर आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिसका सारा सामान ऑलरेडी आपके घर में है, कोई भी चीज आपको अलग से बाहर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है चावल का आटा, लगभग 2 बड़े चम्मच भरकर मैंने यहाँ पर राइस फ्लोर का यूज करा है। क्या आप जानते हैं चावल का आटा गेहूं के आटे से बहुत अलग होता है दिखने में भी और इसका जो टेक्सचर होता है वो भी। चावल का आटा बहुत ज्यादा दरदरा दानेदार होता है और दानेदार होने की वजह से हमारी स्किन को स्क्रब करने में मदद करता है। चावल के आटे में अब मैं अपने रंग को निखारने के लिए एक चुटकी हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। हल्दी आपको केवल एक छोटी चम्मच एक चुटकी ही डालनी है और दोनों चीजों को आपको ड्राई फॉर्म में मिक्स करना है। साथ ही मैं इसमें डालूंगी दही और नींबू का रस। दही जो होता है ना लंबे समय तक हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। नहाने के बाद जब हम बॉडी लोशन लगाते हैं वो केवल कुछ देर हमारी स्किन पर टिकता है, उसके बाद हमारी स्किन दोबारा से ड्राई, फ्लेकी और पैची हो जाती है। स्किन पर से ड्राइनेस को हटाने के लिए, स्किन को एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज बनाने के लिए, हाइड्रेटेड रखने के लिए मैंने यहाँ पर डाला है दही। और उससे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कॉफी पाउडर टैनिंग को रिमूव करने के लिए। टैन को हटाने के लिए कॉफी सबसे बेस्ट होती है। सालों पुरानी जिद्दी से जिद्दी टैनिंग को भी हटा सकती है कॉफी का इस्तेमाल करना। कॉफी बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट होता है, हमारे शरीर के लिए भी, हमारे स्किन के लिए भी, हमारे बालों के लिए भी। आप इसे अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं अपने स्किन के लिए और अपनी स्किन को निखारने के लिए। अगर आपके चेहरे पर मेरे ही जैसे पुराने हुए पिंपल्स और एक्ने के दाग धब्बे हैं ना बहुत सारे, तो इस रेमेडी का यूज कर आप अपने पिंपल्स और एक्ने को भी रिमूव कर सकते हैं। उनके दाग धब्बे बिल्कुल गायब हो जाएंगे, जैसे आपकी स्किन पर कभी थे ही नहीं। थोड़ा सा नींबू मैंने इसमें निचोड़ कर डाल दिया है। ऊपर से हम इसमें डाल रहे हैं दही, 2 चम्मच भरकर हमें इसमें दही भी डालना है। दही का जैसे मैंने आपको बताया हमारी स्किन को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रहेगा और स्किन अगर हाइड्रेटेड रहेगी, सॉफ्ट रहेगी तो स्किन पर ग्लो भी आने वाला है। तो दही को डालने के बाद आपको उसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से और आपको इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाकर रेडी करना है। जितना चिकना पेस्ट बनेगा उतना अच्छा इसका एप्लीकेशन होगा। इसे लगाने का तरीका बता देती हूँ। स्किन को पहले थोड़ा सा गीला कर लीजिए और वेट स्किन पर आपको इसे थोड़ी देर स्क्रबिंग करनी है। 5 से 7 मिनट स्क्रबिंग करें, फिर आपको उसको एक डिटेन पैक की तरह अपने शरीर पर लगाकर छोड़ देना है, एयर ड्राई होने देना है। 5 मिनट स्क्रबिंग करें, 15 मिनट के लिए पैक की तरह लगाकर सूखने दीजिए। जब ये पैक आपकी स्किन पर अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएगा, सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तब आप इसे ठंडे पानी के नीचे वॉश कर सकते हैं। ये एक ऐसी रेमेडी है जो कि पहले बार के यूज में ही आपकी स्किन पर ग्लो लाने का काम करेगी। आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही अच्छा निखार आने वाला है और आपकी स्किन शाइनी भी हो जाएगी, बहुत ही अच्छा गोल्डन ग्लो आपको देखने को मिलेगा। तो इस रेमेडी को ट्राई करें और वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो हमारे वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। बहुत ही कमाल का है, आपके साथ शेयर किया है।